एक अजैन व्यक्ति इनसे पूछ रहे हैं कि मेरी जैन धर्म पर बहुत श्रद्धा है और मैं अगले जन्म में जैन बनना चाहता हूं, तो क्या रमोकार मंत्र का पाठ कर सकते हैं हम? आप अपनी भावना पूर्ण के लिए जो भावनात्मक जैन धर्म के सूत्र हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करें और नमोकार मंत्र आदि को अपने जीवन का आधार बनाएं, तो आपकी भावना सफल हो सकती है। इतने मात्र से सफल हो गई। हमारे शास्त्रों में आया कि एक ग्वाला था, वो एक सेठ के यहाँ पशुओं को चराता था और उसने सेठ जी का सब आचरण देख करके स्वयं रात्रि भोजन का त्याग किया और एक दिन जंगल में मुनिराज मिले तो उनको रात भर उनके लिए अग्नि आदि जलाकर तपाता रहा। सुबह उसने सोचा कि हे भगवान, मुझे कोई सूत्र दो, मैं तो गरीब हूँ, ग्वाला हूँ, जैन हूँ नहीं, और मुझे कोई ऐसी शक्ति दो। तो महाराज तो कुछ बोले नहीं, नमो वरिहंताण ये कह के चले गए। अब ग्वाले ने कहा कि महाराज ने कुछ दिया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, नमो रिहंताण, इतना शब्द उसने पकड़ लिया और बाद में वो नमो रिहंताणम कहता कहता और जाकर नदी पार कर रहा था और एक लक्कड़ उसके पेट में लगा, मरण पड़ गया। उस समय कहा गुरु ने जान लिया था कि मेरी जिंदगी के अंदर तो नमो रिहंताण, नमो रिहंताणम शब्द बोलने से वह बाद में जाकर सेठ सुदर्शन हुआ, सेठ के यहाँ बेटा हुआ। पूर्व में सेठ सुदर्शन ग्वाला थे, जैन धर्म नहीं थे, लेकिन मात्र नमो अरिहंताणम पर सिद्धान करने से वो सेठ सुदर्शन यानी उसी सेठ के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुए।